तो अभी गाइस अभी फाइनली मैं दूध में बोल रहा हूँ गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग्स में। तो कैसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ डायरी में, थोड़ा आगे तक दूध पहुँचाने के लिए। डायरी में 5 लीटर जैसा लगाता है डेली, 5 लीटर। और अभी ठंड भी बहुत बढ़ रहा है गाइस। मेरा फिलहाल एग्ज़ाम भी आ रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम CBSE क्लास 12 का, और मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट से बिलोंग करता हूँ। तो अभी फिलहाल ऐसे ही चल रहा है ज़िंदगी, पढ़ाई चल रहा है। तो ब्लॉग आप लोग को अभी मेरा ब्लॉग कम देखने को मिलेगा। तो मैंने बहुत दिन हो गया था ब्लॉग नहीं बनाया हुआ, नहीं डाला हुआ, एक हफ्ता जैसा। तो सोचा कि आज कुछ आप लोग को बना के दिखाऊँ इन्फॉर्मेशन। तो आज का घर ही का ब्लॉग होगा, तो लाइक जरूर कर देना। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट इन टू द ब्लॉग। सो अभी मैं फिलहाल डायरी पहुँचने वाला हूँ, और इस गांव को बोलता है नाइन मेल बस्ती। और देखे इतना खूबसूरत पहाड़ आप लोग को ऐसा देखने को मिलेगा सिक्किम में। अभी सनराइज होने वाला है फाइनली। तो अभी गाइस अभी फाइनली मैं दूध में बोल रहा हूँ गाइस, डायरी में दूध पहुँचा कर वापस लौट चुका हूँ। और 4.4 लीटर आया है डायरी में। तो अभी क्या सीन फिलहाल के ऐसा है कि अभी मैं फ़िलहाल घर जाऊँगा, और उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई करूँगा, और उसके बाद देखते हैं कुछ आप लोग को ब्लॉग दिखने को मिला या तो दिखा दूँगा। तो मैं मणिपुर से कितना 4-5 दिन हो गया है। तो अभी 12 का एग्ज़ाम भी CBSE का एग्ज़ाम आने वाला है। तो अभी प्रिपरेशन चल रहा है गाइस। तो यहाँ पर देखे ना, ये मैंने पहले भी दिखा चुका हूँगा, ये कितना बड़ा पत्थर है गाइस। देखे रोड के सामने ही है ये पत्थर को, शायद आधा काट के भी रोड बनाया होगा। देखिए ना, बहुत डेंजरस है गाइस सिक्किम में। और देखिए पहाड़ी पहाड़ बहुत। अभी सीज़न भी चल रहा है गाइस, यू कैन कम हेयर फॉर विजिटिंग नॉर्थ सिक्किम। आप लोग को बर्फ़ वगैरह देखने को मिलेगा, बर्फ़ ही बर्फ़ है। और नॉर्थ सिक्किम में तो ठंड भी बहुत है। और अभी मैं यहाँ पर ये ईस्ट सिक्किम में मैं रहता हूँ, आप लोग को पता नहीं है तो। और रोड आर ऑल्सो इन ए डेंजर कंडीशन, यू कैन सी नीचे में खाई, ऊपर में पहाड़ी पहाड़। लोग भी डायरी लाता है दूध, यहाँ पर देखते कि वो लोग जा रहे हैं। पाल दीदी कसो ठीक है? हेलो भन्नु ल देखे ना। अभी फिलहाल सनराइज हो भी गए, और चाँद भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा देखे। लेकिन हमारा घर में सिर्फ 12 बजे को आता है गाइस। तो अभी गाइस मैं हिंदी में थोड़ा कमज़ोर हूँ, और मेरे ब्लॉग में सब लोग बोलता है कि तेरा हिंदी ऐसा है वैसा है। तो आप लोग माइंड मत करना, मैं भी अभी फिलहाल हिंदी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ ना। तो ब्लॉग बनाते हुए थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। तो थोड़ा आप लोग थोड़ा माइंड मत करना, मेरे वर्ड्स वगैरह थोड़ा नहीं मिलता है ना, नेपाली से मिलता है गाइस। अभी मैं गाय के लिए यहाँ पर दाना पका रहा हूँ देखिए, और पकाते पकाते मैं फिलहाल चाय भी पी रहा हूँ गाइस। ठंड में तो ना चाय बहुत मस्त होता है गाइस, दिन में 4-5 बार तो चाय ही पीता हूँ मैं तो। दिन का 11 बज चुका है। तो अभी यहाँ पर रेशिका भी आ चुकी है यहाँ पर पढ़ने के लिए। क्या पढ़ेगी यार तू? इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? खाने वाले ही, और आज खाजे में है खिचड़ी। देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है, मामा ने बोला, मामा ने बनाया हुआ है, देखते हैं टेस्ट किसका कैसा है। रेशिका तुम भी खाओगे क्या? मत खाना यार।
तभी कैसे अभी मैं फिलहाल खिचड़ी टेस्ट करने वाला हूँ, कैसा है यहाँ पर देखते हैं। देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है, तो देखते हैं अभी। बहुत बढ़िया बना है यार, ले लो आप भी खा लो। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है। आज है दूसरा दिन, और तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ कम्बल। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ऐसे चढ़ाई करना पड़ता है। तो मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मित्र राजेश, आप लोग ने बहुत बार ब्लॉग में भी देखा होगा, उसी के साथ मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसका वो मेरा अकाउंटेंसी नोटबुक लिया था, और वही लेने के लिए जा रहा हूँ। तो देखते रहे ना, देखे ना ऐसे घना जंगल के बीच में ऐसा रास्ता आप लोग को सिक्किम में देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने कंस्ट्रक्ट किया वो भी पता नहीं मुझे। देखिए अभी आज बारिश आने वाला है गाइस, बारिश आता तो थोड़ा अच्छा होता, बारिश नहीं आया हुआ, बहुत दिन हो गया। तो अभी अकेले जा रहा हूँ, देखते जंगल के रास्ते में बहुत ऊपर तक चढ़ाई करना पड़ता है, बहुत दूर है, तो बने रहना वीडियो में। तो गाइस अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ कमल में, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे साथ, हु इज दिस, यू नो, 200 पुशअप लगा दे, 200 रुपये देगा। कैसा है ब्रो? ठीक है यार, हैप्पी न्यू ईयर, इधर देख तो यार, हैप्पी न्यू ईयर बोल दे सर से, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। क्या बोलना चाहते हैं मेरे दर्शकों को न्यू ईयर के बारे में? हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आप आशा करता हूँ आप लोगों का न्यू ईयर अच्छा जाए 2023। और एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? ठीक ठाक यार। ओ अरे मुझे भी आता है। तो चल ऊपर तक चलते, तभी गाइस अभी थोड़ा ऊपर तक जाएंगे, उधर शिव मंदिर का भी है, जाके दर्शन वगैरह करेंगे और थोड़ा पानी वगैरह भी पीएंगे। फाइनली वी रीच एट लोअर कमल। और यहाँ पर देख सकते हैं राजेश भी मेरे साथ, और अभी यहाँ पर चलते हैं शिव जी के पास, थोड़ा दर्शन करते हैं। दिस इज शिव मंदिर ऑफ लोअर कमल। और गाइस अभी मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ शिव मंदिर में, कुछ ऐसा है यहाँ पर देख सकते हैं, शिव जी का स्थान। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। शायद अंदर में हो, खुला है क्या? बोलते हैं तो